बहुत ही दुखद न्यूज है वैलेंटाइन आ रहा है। बहुत खर्चा उसके पीछे, गर्लफ्रेंड आई नहीं क्या कर पाएंगे, चॉकलेट डे किस डे आप काची काची करते रहे। अब हम लोग ब्याह नहीं ना है, इसके पास गर्लफ्रेंड है उसके लिए तो वैलेंटाइन डे सही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्यार में, मैं रूपम सिंह आपके साथ हूँ। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है और वैलेंटाइन डे को लेकर आप जानते ही हैं कि कितने आज के युवा इंतजार करते हैं, वो खुश होते हैं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है। हालांकि अभी रोज़ डे, चॉकलेट डे और टेडी बियर डे अभी गुजरा है और अभी वैलेंटाइन डे, दो दिन बाद वैलेंटाइन डे आ रहा है। और मैं अभी पार्क में पहुंच चुकी हूं क्योंकि यहां पर ही लोग आते हैं घूमने और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आते हैं। तो हर लोगों से हम बात करेंगे एक एक करके, ज़रूरी नहीं है कि युवा ही, उससे ऊपर पीढ़ी वाले भी जो हैं उनसे भी बात करूँगी और जानूंगी कि वो वैलेंटाइन डे पर कैसी तैयारियाँ अपना कर रही हैं और क्या सोच रखते हैं इस विषय में। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या कुछ करते हैं इस पर? कुछ नहीं उस पर कर पाएंगे, गर्लफ्रेंड आई नहीं क्या कर पाएंगे। गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं है, कोई पटी नहीं रहा। पटी नहीं रहा है, क्यों नहीं पट रहा है भाई? भाई पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं कुछ किसी को पटा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं तो नहीं ये कर रहे हैं क्योंकि फिर उधर ध्यान चला जाएगा तो फिर पढ़ा नहीं हो पाएगा। पढ़ा नहीं होगा, पढ़ाने पैसा बहुत लगता है गर्लफ्रेंड के। कैसे गर्लफ्रेंड पढ़ा? बहुत बहुत खर्चा उसके पीछे, कहीं बोला आइसक्रीम ले दीजिए, कहीं बोला कहीं कहीं मॉल कभी कुछ। फिर रोज डे, टेडी बियर डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, किस डे आप काची काची करते रहे। मुझे और सब आएंगे इन पे, आप लोग बताइए। तू ही बता भाई, बोलिए बोलिए क्या बोला। अभी जो वैलेंटाइन डे आ रहा है मैं उसे पूछ रही हूँ कुछ। बहुत ही दुखद न्यूज है वैलेंटाइन आ रहा है। दुखद न्यूज कैसे? इसलिए कि हम लोग बेरोजगार हैं। आप सोचिए, अभी कुछ ही दिन पहले पटना की सड़कों पर एक नया चैप्टर पढ़ाया गया है। हम लोग छोटा पे पढ़े थे टंटलेशन, जिसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, तो अभी कुछ ही दिन पहले डंडलेशन पढ़ाया गया है। देखिए, डंडे से स्वागत हुआ है नयों को कहते हैं। डंडलेशन पढ़ने के बाद ही वैलेंटाइन मनाने का मन करेगा, बताइए। कई लोग तो मना रहे हैं, मना रहे हैं कि वो लोग, मतलब क्या होता है, एगो दो शब्द होता है, एगो हेयर होता है, एगो ब्याह। तो अब हम लोग ब्याह नहीं ना है, वैलेंटाइन डे मनाने हुए होगा। अब दिक्कत ये है मैडम ना कि वैलेंटाइन मनाने के लिए पॉकेट में पैसा चाहिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो फॉर्म भरने का पैसा नहीं है। पहले 100 रुपये का फॉर्म भराता था, 500 रुपये का फॉर्म भरा रहा है, उसमें भी 400 देने का वादा था तो 240 रुपये मेरा आया है, 160 रुपये पता नहीं कहने उड़ गया है। तो यह दिक्कतें है, तो बताइए पॉकेट उच चाहिए तो पैसा वैसा चाहिए ना। अभी बेचारे लोग बुक लेकर और इधर इको पार्क आए हुए हैं घूमने के लिए। आप हमारा ही बुक है, अभी ये हमारा ही बुक है, स्टेपनी लेकर आए हैं ना इनको, तो धोने, हम तो खुद बैग धोए हैं तो बुक लेकर आए हैं। अभी अब कब करा देंगे मंत्री जी लोग परीक्षा? और आप लोग बताइए कि क्या सच में वैलेंटाइन डे ये के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए ये पैसा जरूरी है? जिसके पास गर्लफ्रेंड है उसके लिए तो वैलेंटाइन डे सही है, अपना एंजॉय कर रहा है। वो तो जुगाड़ हो जाता है, हो जाता है, जुगाड़ हो जाता है। हाँ, गर्लफ्रेंड बस होना चाहिए, जुगाड़ कहीं से हो जाता है। पैसा आएगा तो गर्लफ्रेंड भी जुगाड़ हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। क्या गर्लफ्रेंड को पैसे देते हैं? जितना हम गर्लफ्रेंड में पैसा खर्चा करेंगे ना, उतना माँ बाप को पैसा देने को सिंगल इज बेस्ट, स्टार्टिंग से सिंगल इज बेस्ट स्टार्ट। नहीं लगेगा ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जॉब करेंगे तब भी हम कुछ कर सकते हैं। बोले दिए के बाद तो फिर पैसा खर्चा कीजिएगा, आप तो बोल रहे हैं कि बचवा देंगे हम तो। गर्लफ्रेंड अभी कुछ नहीं सेटल करना, कुछ नहीं, आपको जो अभी जॉब करना, हम लोग हम अपने चॉइस से करेंगे, अभी नहीं, जब जॉब लगेगी तब। आप बताइए सर, तो एकदम आपका काम भाग रहा है। तो अभी वैलेंटाइन डे, दो दिन बाद वैलेंटाइन डे है और काफ़ी इंतज़ार है और किसी किसी को तो इंतज़ार भी नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि अब शादी हो जाने के बाद क्या हम लोग वैलेंटाइन डे मनाएं। लेकिन जो अखंड सिंगल हैं वो लोग इंतज़ार